भारतीय पत्र मुद्रा एवं करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि अगर करेंसी की बात यहाँ से आई है तो सबसे पहले करेंसी की शुरुआत कब हुई थी? आपका आंसर आएगा जो शुरुआत होती है इसकी, वो होती है 1935। अब बात यहाँ से आती है कि शुरुआत करी किसने थी, तो शुरुआत किसने की हुई? पहले कि किसने शुरू किया था इसको? शुरू करा था महात्मा गांधी सीरीज के जो नोट की शुरुआत होती है वो कब होती है? आप कि महात्मा गांधी जो सीरीज है, महात्मा गांधी सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो आपसे पूछा जाएगा कि सीरीज जो है इनकी शुरुआत कब होती है, तो आपका आंसर होगा 1996 के अंदर होती है। कब होती है? 1996 में इनकी शुरुआत होती है अगर आपसे पूछा जाता है तो। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले बात आती है तो वो आती है कि एक रुपए का जो नोट है उसे जारी कौन करता है? एक रुपए का जो नोट है इसको जो जारी करता है, जारी करता आंसर होगा वित्त मंत्रालय होगा, वित्त मंत्रालय। ठीक है, अब बात यहाँ से आती है कि एक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? आपका आंसर होगा हस्ताक्षर करता है कौन करता है? ये पूरा क्वेश्चन आपसे कई बार यहाँ पेपरों में पूछा गया है कि एक रुपए के सिक्के पर कौन साइन करता है, तो वहाँ क्वेश्चन था ना कि वित्त मंत्री क्या करता है इस पर हस्ताक्षर करता है। अब बात यहाँ से आती है कि अन्य जो नोट हैं, अन्य नोटों पर हस्ताक्षर कौन करेगा? अन्य नोट है इनको जारी कौन करता है? जारी करता आपका आंसर होगा आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। और हस्ताक्षर गवर्नर की हम बात करते हैं, तीन गवर्नर के बारे में आपको याद जरूर होना चाहिए। कौन कौन से गवर्नर? सबसे पहले गवर्नर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर पूछा जाता कि आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबर्न। कौन थे? सर ऑसबर्न सबसे पहले गवर्नर थे। ठीक है, ध्यान रखना पहले गवर्नर आपसे पूछा जाता है। तो अब बात हम बात करते हैं यहाँ से कि भारत के या भारतीय सबसे पहले जो है गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख जो है वो सबसे पहले क्या है? भारतीय गवर्नर है, सबसे पहले भारतीय गवर्नर। अब बात यहाँ से आती है कि वर्तमान में गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में कभी भी पूछे कि वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आंसर आएगा शक्तिकांत दास हो जाएंगे। ठीक है, और शक्तिकांत दास जो है वो कौन, शक्तिकांत दास कौन से क्रम के आए हैं? 25वें क्रम के। और इन्होंने स्थान किसके लिए था? स्थान लिया था। ठीक है, अगर आपसे बात करता है तो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं कि नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है, ये तो कहानी रही कि आरबीआई से संबंधित थी, अब बात करते हैं कि भारत के अंदर कितनी नोट जो प्रेस है वो कितनी है, नोट छापे जाते हैं। अगर आपसे पूछा है कि नोट छापने की जो मशीनें हैं वो कितनी जगह है, चार जगह पर आपसे पूछते हैं, तो हम कहते हैं कि नोट प्रेस प्रेस की संख्या कितनी है? तो चार। अब चार में हमने जैसे कहा तो आप यह नाम आएगा, पहला आंसर आएगा देवास। क्या नाम आएगा? देवास। अच्छा, देवास जो है कहाँ का? कहाँ पर है? अब बात हम पढ़ते हैं दूसरा कौन सा है, बात करते हैं कि मैसूर। मैसूर कहाँ पर है? दूसरी मशीन जो है वो कहां पर है? कर्नाटक का शहर है मैसूर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से आगे कि तीसरे नंबर पे नासिक है। कौन है? नासिक। अच्छा, नासिक कहां है? महाराष्ट्र का है। कहां का है? चौथा शहर सालोनी। बात कह देंगे सालोनी। अच्छा, सालोनी कहां है? आंसर आएगा सालोनी है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल का शहर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम बात करते हैं कि भारत के अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्या है, टकसाल। टकसाल में जाते हैं सिक्के को ढाला जाता है, तो कभी भी आपसे पूछा जाता है कि टकसाल भारत में कुल कितनी है? चार जगह होती है। कितनी जगह है? चार।
टकसाल की अगर हम बात करते हैं तो टकसाल जो है वो चार जगह भारत में मिलेंगी। जैसे पहला नाम आप किसका है, आप क्या देंगे? नोएडा। अच्छा नोएडा कहाँ का शहर है? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आप क्या देंगे? हैदराबाद। अच्छा हैदराबाद कहाँ का शहर है? तेलंगाना का। दूसरे नंबर पे आपका आंसर आगा यहाँ से हैदराबाद। ठीक है, अब बात करते हैं हैदराबाद जो शहर है वो तेलंगाना का शहर है। अब यहाँ से बात करते हैं तीसरा पेपर जो है वो तैयार कहाँ होता है? आंसर आपका होशंगाबाद। अच्छा होशंगाबाद का वर्तमान में नाम? होशंगाबाद का वर्तमान में नाम नर्मदा। वर्तमान नाम अगर आपसे पूछता है तो ठीक है नर्मदा पुरम हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अगर हम बात करते हैं नर्मदा पुरम के बारे में, अब ये जानते हैं कि नॉट स्टाम पेपर तैयार हुए हैं होशंगाबाद के अंदर, लेकिन कौन सा मिल या फैक्ट्री है जहां पर ये बनाया जाता है? तो आंसर आपका जाता है सिक्योरिटी पेपर मिल। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग सिक्योरिटी पेपर मिल है यहां पर ये पेपर तैयार किया जाता है। अब यहां से अगर हम बात करते हैं कि यार नॉट की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉट सीआई क्या बोल रहे हैं? नॉट सीआई कारखाना कहां? तो आंसर आएगा आपका देवास। कहां? प्रदेश कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। कभी भी पूछे कि नॉर्थ सीआई का कारखाना कहां? देवास है जो कि मध्य प्रदेश में। अब कहानी आती है कि जो नॉर्थ है उस नॉर्थ का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? तो नॉर्थ के चिन्ह अगर हम बात कर रहे हैं तो रुपए का जो चिन्ह होता है कहने का मतलब, तो आपसे पूछेगा रुपए का चिन्ह, और चिन्ह की हम बात कर रहे हैं जिसका रुपए का चिन्ह होता है इस तरह से बना हुआ। ठीक है ये रुपए का चिन्ह होता है। अब कहानी आती है कि इसे स्वीकार कब किया गया? आंसर आएगा 2000 में इसे स्वीकार कर लिया गया। अब कहानी आती है इसको जो है बनाया किसने? आप कहेंगे इसको बनाया या तैयार करा था किसने? उदय कुमार ने इसको जो है बनाया था। अब कहानी जब यहाँ तक की आई तो एक नाम सुना होगा विमुद्रीकरण का, किसका? इसे बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन अर्थात नोटबंदी। तो नोटबंदी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको जरूर रहना चाहिए। ठीक है तो नोटबंदी से संबंधित हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि विमुद्रीकरण जो है इसका उद्देश्य क्या है, आपका आंसर होगा काले धन पर अंकुश। जो काला धन होता है इसे ब्लैक मनी बोलते हैं, उस पर मुख्य तौर पर अंकुश लगाना काम किसका होता है? विमुद्रीकरण अर्थात डीमोनेटाइजेशन का होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं नोटबंदी। क्या कहते हैं? नोटबंदी। तुमसे कभी भी पूछा जाता है कि विमुद्रीकरण के बारे में, विमुद्रीकरण इसको बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन, और डीमोनेटाइजेशन को ही लगभग आपसे अगर पूछा जाता है तो अन्य इसके नाम जानते हैं नोटबंदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ये ध्यान रखना। और आपसे पूछे इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हो जाता है काले धन पर अंकुश लगाना। काले धन पर अंकुश लगाना। अब यहां से हम बात करते हैं कि अंकुश लगाना इसका काम होगा। दूसरी चीज आपसे पूछा जाता है कि अब तक जो है नोटबंदी कितनी बार हुई? तीन बार। नोटबंदी अब तक अगर हम बात करेंगे तो नोटबंदी जो हुई है वो तीन बार हो चुकी है। कितनी बार? तीन बार। पहली बार 1946, दूसरी बार 1948, वर्तमान में तीसरी बार कह देंगे 2016। अब 2016 की जब डेट
डेट आई तो आपको एक डेट बड़ी याद रहेगी, दिमाग में कौन आते हैं? मोदी जी। कौन आते हैं? मोदी जी। मोदी जी ने, अगर आप देखते हैं कि यहाँ से पीएम मोदी जी ने घोषणा करी थी, तो पीएम मोदी ने अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से जो घोषणा करी थी, उस घोषणा में क्या कहा था, तो यहाँ महात्मा गांधी सीरीज के, मतलब इसके महात्मा गांधी का फोटो है, 500 में 1000 के नोट चलन से अर्थात बंद किए जाते हैं। तो यहाँ महात्मा गांधी जो सीरीज थी, महात्मा गांधी सीरीज, सीरीज के सभी 500 व 1000 के नोट क्या कर दिए थे? बंद कर दिए गए थे, ठीक है, बंद ये चलन से बाहर कर दिए। अब कहानी यहां से आगे आती है, तो आप एक डेट जानते हैं, 19 मतलब आपके 19 मई 2023 की डेट आती है, तो यहाँ पर जो 2000 का नोट उसे चलन से क्या करने लगा, तो आप कह सकते हैं कि 2000 का नोट कब बंद हुआ, 19 मई 2023, तो यहाँ पर 2000 का नोट जो है वो बंद कर दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, 2000 का नोट बंद कर दिया गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब जब नोटों की बात आई है, तो कुछ नए नोट हैं जिन नोटों पर क्या बनाए गए, ये कुछ आकृतियां हैं, कुछ चिन्ह हैं, वो भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए कि 10 के नोट पर किसकी आकृति है, तो आपके पास 10 रुपए का जो नोट है इस पर आकृति किसकी है, कोणार्क सूर्य मंदिर की, ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर की जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, आकृति होगी। अब यहाँ से बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा, कहाँ पर है, उड़ीसा। अब बात करते हैं कि 20 रुपए के नोट पर किसको, तो आप कहेंगे 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा, इस पर एलोरा की गुफा क्या करती है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, कहाँ पर है, पूछे इसमें कि 50 रुपए के नोट पर किसका, तो आप कहेंगे हम्पी, हम्पी कहाँ, मिलती है। अब बात यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट में करते हैं, 500 रुपए के नोट किसके आकृति है, यहाँ से नालिया किसके आकृति है, नालिया की आकृति है, ठीक है। अब बात यहाँ से करते हैं 2000 रुपए के नोट, तो इस पर मंगलयान था, क्या था, मंगलयान, ठीक है, मंगलयान की क्या मिलती है, आकृति मिलती है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे आप लोग किसे, भारतीय करेंसी से संबंधित है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको सबको एकदम बेहतर तरीके से क्या आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं इसमें।